जय हिंद गाइस। आज लेकर आया हूं मैं टॉप डिफेंस स्टॉक जो कि आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाकर दे सकते हैं गाइस, क्योंकि यहां पर एफआईएस और डीआईएस अपनी होल्डिंग को यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लगातार बढ़ा रहे हैं गाइस, और यही कारण है कि यह स्टॉक आपको फ्यूचर में मल्टी बैग रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में एफआईएस डीआईएस का इन्वेस्टमेंट होता है वही शेयर अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर देते हैं गाइस, यह देखा गया है। और एफआईएस डीआईएस काफी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, उनके पास काफी बड़ी टीम होती है रिसर्च करने के लिए, लेकिन आम इन्वेस्टर के पास ये सारी फैसिलिटी नहीं हो पाती है गाइस। यही कारण है कि एफआईएस डीआईएस काफी रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। अगर हम एफआईएस डीआईएस का साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस तो हमें यहाँ पर मल्टी बैग रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं गाइस। यही कारण है कि आज मैं ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें एफआईएस डीआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है और वह इंक्रीज कर रहे हैं गाइस। और इस सेक्टर में खास बात यह है कि गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट है गवर्नमेंट का इस सेक्टर में, और आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट इस सेक्टर में लगातार पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा डिफेंस सेक्टर काफी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में चाइना है जो कि हमारे देश के दुश्मन कंट्री है। यही कारण है कि गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग हो, और यही कारण है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो यह स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ आपको मल्टी वे रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां। हमारे इसके नंबर वन कंपनी है जो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पल्स प्रोडक्शन एंड सोल्यूशन पर कंपनी काम कर रही है, जिसकी डिमांड लगातार रहने वाली है। और गाइस ये छोटी कंपनी है, अभी मात्र 4341 करोड़ का ही मार्केट कैप है गाइस, तो कंपनी आप देख सकते हैं काफी स्पेस है कंपनी को बड़ी कंपनी बनने के लिए, और करंट प्राइस 1000 के आसपास में है और हाई 1500 के आसपास यहाँ पर लगाया था गाइस। वही कंपनी का आरओसी एंड आरओई वैसे तो कम है लेकिन प्लस में है, अच्छी बात है, 20 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है गाइस, लेकिन फिर भी कंपनी का आरओसी एंड आरओई काफी अच्छा है। वही कंपनी सेल्स भी अच्छा खासा जनरेट करती है 289 करोड़ का, और कंपनी में कर्ज है मात्र 65.8 करोड़ का, और रिजर्व कंपनी में 406 करोड़ का पड़ा हुआ, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वही प्रमोटर की होल्डिंग 58.9% की है जो कि अच्छी खासी होल्डिंग मानी जाती है गाइस, प्रमोटर ने यहाँ पर कोई भी अपने शेयरों को गिरवी भी नहीं रखा है, और सेल्स भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट करती है। एफआईडीआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, देख सकते हैं कि एफआईएस की 2.97% की होल्डिंग है, डीआईएस की 0.07% की होल्डिंग है, और अर्निंग पर शेयर कंपनी का 10.5 का है, कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है। वही कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर पूरे साल पर नजर डाली गई तो पूरे साल में कंपनी ने सेल्स जो भी ओवरऑल इंक्रीज कर रही है आप देख सकते हैं 183 से अभी वर्तमान 289 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। यही कारण है कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो कि इंक्रीज हो रहा है, वही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के यहाँ पर जो कि प्लस में है, काफी अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर सीएजीआर कंपनी का जो 44% का है लास्ट साल का, और रिटर्न इक्विटी जो कि लास्ट साल के 7% की है गाइस। वही बैलेंस शीट कंपनी के यहाँ पर स्ट्रांग है, और वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग 58.94% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जबकि यहाँ पर एफआईएस ने 0.13% से अभी वर्तमान में 2.97% इंक्रीज कर लिया है गाइस, तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है, काफी प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर डीआईएस ने बिकवाली किया है जो कि माइनस पॉइंट हो जाता है गाइस। हमारी इसकी जो दूसरी कंपनी है, इस कंपनी काफी अच्छे बिजनेस है, कंपनी यहाँ पर सबमरीन निर्माण पर लगी हुई है, और इसके अलावा कार्गो पैसेंजर शिप पर भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, जो कि सबमरीन की डिमांड लगातार रहने वाली है इंडियन नेवी के लिए गाइस, यही कारण है इस कंपनी को लगातार जो कि अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। वही 87,298 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस 4,328 का है गाइस, हाई 5,860 का लगाया था और लो लगा था 1,742 का, तो उस हिसाब से स्टॉक 52 वीक से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि अभी भी स्टॉक का भी यहाँ पर जो कि 37.6 का गाइस, जबकि इंडस्ट्री पे देखेंगे तो इंडस्ट्री पे यहाँ पर नज़र आ रहा 37.6 का, तो अपने इंडस्ट्री पी के बरोबर ही स्टॉक वर्तमान में ट्रेड कर रहा है जो कि अच्छे रेट पर मिल रहा है। सेल्स भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट करती है। वही कर्ज है कंपनी में मात्र 0.93 करोड़ का इस इतनी बड़ी कंपनी में गाइस। वही रिजर्व कंपनी में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस, 84.8% की हाई प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब पूरे के पूरे शेयर प्रमोटर अपने पास ही रख रखा है, और यहाँ पर कोई भी गिरवी भी नहीं रखा है, और एफआईडीआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और पब्लिक के पास गाइस यहाँ पर बहुत कम ही स्टेक बचता है, और कंपनी के यहाँ पर अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और यह अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से।
वही कंपनी का शेयर जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है गाइस, और आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुका है, और यही कारण है कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है और कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है। वही रिटर्न की बात करें गाइस, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे रही है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, और बैलेंस शीट कंपनी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, और कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है हाई प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पर FISDIC भी अच्छी खासी होल्डिंग है। हमारी लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ड्रोन पर काम कर रही है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी कंपनी काम कर रही है, और ई कॉमर्स पर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। तो कंपनी काफी अच्छा बिजनेस है, फ्यूचर बिजनेस पर कंपनी काम कर रही है। 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, तो काफी छोटी कंपनी है, इसको भी काफी स्पेस है ग्रो करने के लिए गाइस। यहाँ पर 72 का करंट प्राइस है, हाई 94 का लगाया था गाइस, और यहाँ पर कंपनी का ROC एंड ROE जो कि कम है, माइनस में है, जो कि कंपनी के लिए माइनस पॉइंट हो जाता है, लेकिन कंपनी में कुछ प्लस पॉइंट भी हैं गाइस, जैसे कि कंपनी यहाँ पर सेल्स अच्छा खासा जनरेट करती है, देख सकते हैं 6,836 करोड़ कंपनी यहाँ पर सेल्स जनरेट करती है, और कर्ज कंपनी में 1,184 करोड़ का कंपनी में कर्ज है, जबकि रिजर्व कंपनी में 563 करोड़ कंपनी में रिजर्व पड़ा हुआ है गाइस। और जो प्लस पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग, 74.9% की प्रमोटर की हाई प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर ने 10.9% यहाँ पर गिरवी रख रखा, जो माइनस पॉइंट हो जाता है, फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी अच्छी खासी है यहाँ पर। और FIS की और DIS की यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी होल्डिंग है, FIS की यहाँ पर 8.42% की इस छोटी सी कंपनी में होल्डिंग है, और DIS की 0.7% की होल्डिंग है, और कंपनी के ऑपरेशंस वो प्रॉफिट बहुत काफी जबरदस्त नजर आ रहा है, और यह कंपनी अपने सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी गाइस मार्केट कैप के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, और कंपनी के सेल्स को जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, और यही कारण है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कंपनी पहले माइनस में जनरेट कर रही थी यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे तरीके से प्लस में जनरेट कर रही है। वही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का जो काफी जबरदस्त नजर आ रहा है यहाँ पर, और रिटर्न भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा बनाकर दे रही है गाइस। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, 74.86% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जबकि FIS ने यहाँ पर इंक्रीज किया है और DIS ने भी इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास इस छोटी सी कंपनी में 60.55% की होल्डिंग बची हुई गाइस, और अदर पर 0.10% की होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है गाइस, ये सभी कंपनियां आपको मल्टी बिगर रिटर्न आने वाले समय में दे सकती है गाइस, लेकिन इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च जरूर कर लें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, धन्यवाद।